हल्द्वानी में हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके थे कि प्रशासन को मामले को शांत करने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने तक के आदेश देने पड़े। मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस कंबनिंग कर रही है लगातार, वहां पर पुलिस के बूटों का शोर गूंज रहा है और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के हालात को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। देहरादून से लेकर के नैनीताल और पूरे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल पर भी हाई अलर्ट लगा दिया गया है। इसके अलावा जो यूपी से जोड़ती हुई जो सीमा है उसमें भी चेकिंग और तमाम सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर हल्द्वानी में ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते शांत रहने वाले देवभूमि के हालात बिगड़ गए। देवभूमि के गेट कहे जाने वाले हल्द्वानी में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हिंसा फैल गई और पहली बार इतने बड़े लेवल पर कर्फ्यू लगाया गया और 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल हल्द्वानी के बन भूलपुरा इलाके में मलिक के बगीचे का जो इलाका है वहां पर अवैध तरीके से एक मदरसा बनाया गया था और एक खाली स्थान पर नमाज स्थल भी बना दिया गया था, जिसके बाद नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने इस स्थल की 3 एकड़ जमीन को पहले ही कब्जा लेने की बात कही थी और उसके बाद इसे तोड़ने के लिए जब हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का स्टे लगाने से इनकार कर दिया तो जमीन को कब्जाने और वहां पर बने हुए निर्माण को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची हुई थी और इसी तोड़ने के दौरान यानी इसी डिमोलिशन का जो प्रक्रिया थी और जो डिमोलिश करने की का काम शुरू हुआ था उसी के दौरान भीड़ इकट्ठा हुई। उसने पहले विरोध जताया, उसके बाद मदरसे और नमाज स्थल को सील जो पहले से था उसको गिराने पर जैसे ही बुलडोजर का उस पर पंजा चला तो लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। अवैध मदरसे और नमाज स्थल को JCB से जैसे ही ध्वस्त किया गया वैसे ही अवैध मदरसे को जैसे ढाया गया हिंसा शुरू हो गई। कलेक्टर वंदना सिंह ने कहा कि जैसे ही पुलिस और अधिकारियों पर हमला हुआ तो उसको बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन शुरुआती जांच में DM ने यह दावा किया है वंदना चौहान ने कि इस हमले को लेकर के वहां के जो स्थानीय लोग हैं उपद्रवी हैं उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और जिसका भान पुलिस और प्रशासन को नहीं हुआ, जिसकी जानकारी और जिसकी भनक पुलिस प्रशासन को नहीं लगी, इसी के चलते हिंसा का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार शिकार बने। क्या कुछ कहा है वंदना सिंह ने सुनिए। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड अनहार्म्ड अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से, पत्थर बरसाने शुरू करेंगे चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्बर्स कर दिया गया तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था, देवर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। वंदना सिंह और DGP ने भी कह दिया है कि ये पूरी हिंसा साजिश थी। वहीं मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुए हमले और अशांति को लेकर के पूरी गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों पर शांति और कानून व्यवस्था को निर्देश दे दिए गए हैं और सख्त कड़े तरीके से निपटने वाले आदेश भी मिल चुके हैं।
देहरादून में अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और अन्य आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके क्षेत्र के में शांत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और प्रदेश में ऐसी किसी भी स्थिति से जहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, जहां खिलवाड़ करने की कोशिश हो, वहां पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। फिलहाल हल्द्वानी में इंटरनेट बंद है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरा हल्द्वानी पुलिस की बूटों की थाप से गूंज रहा है, चारों तरफ सायरन सुनाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।